देखिए, हिमाचल को पीछे आपदा के समय में जो भारी नुकसान हुआ, उसके बाद कुछ निर्णायक निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने खास करके पीडब्ल्यूडी विभाग को नई मशीनें लेने के लिए बहुत सा सहयोग दिया, जिसमें खास करके हमने जेसीबी मशीन्स और पोकलेन मशीन्स प्रदेश के लिए लेने का निर्णय लिया। और बहुत सालों बाद करीबन आपके 23 करोड़ रुपए की लागत से 102 नई जेसीबी मशीन्स ली गई है। आज हमने इनके कुछ मशीन्स का फ्लैग ऑफ यहाँ से किया है और एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हर डिवीज़न में ये मशीन्स जो है वो भेजी जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी समय जो आपदा के समय में या और जब हमको नेसेसिटी होती है तो हायरिंग करनी पड़ती है मशीन्स की। इसलिए ये हमने इसको हर डिवीज़न में मशीन्स रखने का रिक्वायर्ड प्रोविज़न किया है। और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली बार या काफ़ी समय बाद जो है जेम पोर्टल के माध्यम से इसका जो है वो रिवर्स बिडिंग में हमने इसको प्रोक्योर किया है, जिससे काफ़ी बचत भी करीबन 10 करोड़ रुपए की बचत हुई। और उससे हम ये एडिशनल मशीनरी जो है वो डिपार्टमेंट के लिए ला पाए हैं। एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके लिए मैं विभाग को बधाई भी देना चाहता हूँ। और जो हमारे इसमें पार्टनर्स है, जेसीबी एक वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड है और हिमाचल में देश में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके करीबन 4-5 प्लांट्स पूरे देश के अंदर है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि इनकी जितनी भी सर्विसिंग होगा, जितना भी इनका सपोर्ट्स हमको चाहिए होगा इस कंपनी से, वो भी डिपार्टमेंट को मिलेगा, ताकि मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में और ख़ास करके आपदा के समय में या और जो रोड क्लियरेंसेस होती है ऐसे इवैक्यूएशंस के लिए, पूरी मजबूती से लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सेवा में उपस्थित रहेगा।